हेलो क्लास 10th टर्म 1 फिजिक्स एमसीक्यूज फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। इफ अ लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉइंट साइज इमेज ऑफ द सन ऑन द स्क्रीन इट्स पावर इज। ओके, पहली चीज ये डेफिनेटली सोच लीजिए कि सन को अगर हम फोकस कर पा रहे हैं किसी लेंस के थ्रू, देन दैट लेंस मस्ट बी कन्वर्जिंग, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ये पता चल जाए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पावर फाइंड करनी है उसकी, पी इक्वल टू 1/f। अच्छा, उससे पहले जो f है होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। इट इज 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25/100। नाउ इट इज मीटर। सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 1 25 4 तो 1/4 मीटर हो गया। तो पावर निकालेंगे, रिमेंबर पावर निकालने के लिए अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो उसे पहले मीटर में चेंज करो, ये श्योर रखना, ये बिल्कुल माइंड में बिठा लो इस चीज़ को। नाउ 1/1/4, सो इट विल बी 4 डायोप्टर। वी हैव दिस। ओके, मूविंग ऑन। पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज, मैं पहले इसकी डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट साइन कन्वेंशन देना चाह रहा था, बट लेटर ऑन आई पुट दिस। सो पावर इज गिवन हियर एंड फोकल लेंथ, आस्क फॉर फोकल लेंथ। सो एज पी इक्वल टू 1/f, सो ऑल्सो एफ इक्वल टू 1/p। सो दिस इज 1/p इज -2.5। थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा लेते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स भूल जाते हो। ओके, सो हियर इट इज -0.4 मीटर। रिमेंबर, पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो मीटर बनेगा। जैसे कि फोकल लेंथ मीटर में है तब पावर कैलकुलेट होकर डायोप्टर में बनती है, तो इसलिए सेंटीमीटर से हमने उस समय मीटर में चेंज किया था और तब पावर हमारी डायप्टर में आई। यहाँ पे पावर डायप्टर में दे रखी थी तो आंसर हमारा मीटर में आया। कहीं दे रखा है? नो वेयर। ओके, तो इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आई नो बच्चों को आता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज चलते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ इट विल बी -40 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सो वी हैव दिस। ओके, नाउ पावर ऑफ लेंस ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, लिटिल बिट मिस्टेक, hypermetropic, I have said that, person is 0.75 diopter, without, we know that hypermetropia में जो corrective lens होता है, that is convex lens, so no need to worry, वो convex होता है तो positive ही उसकी focal length होगी, और जब हम power positive होगी तो उसकी focal length भी positive होगी, 1/p, that is 1/0.75, डेसिमल शिफ्ट, 100/75, सॉल्व कर लेंगे, 25 के टेबल से जा रहा है, 25 4 25 3, ये अभी मीटर में आया तो है कहीं, ये दे रखा है बट इट इज़ नेगेटिव तो ये नहीं हो सकता, पॉजिटिव आंसर ये और ये हैं तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो पहली चीज दोनों सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ओह सॉरी, हियर इट वॉज, सो समटाइम आई लॉस द फोकस। 100/3 और फिर इसे सॉल्व करोगे 400/3, फर्दर सॉल्व करोगे इट विल बी 133.33 ऑल्सो, बट जब ऑप्शन खाली इतना दे रखा है, सॉरी इतना दे रखा है पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, सो दिस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स एन एक्सपेरिमेंट एंड या ऑफ कोर्स बिट डिफिकल्ट थिंग, बट ओके धीरे धीरे हैबिट बनाओ ऐसी चीज़ों के लिए, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इन द एडजेसेंट सेटअप अ लाइट सोर्स ओ सेंड्स 2 रेज, यहाँ लाइट सोर्स है इससे 2 रेज गई ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, विच आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस मतलब रिफ्रैक्ट हुआ, स्ट्राइक अ प्लेन मिरर, स्ट्राइक किया एंड गेट कन्वर्ज टू आई एंड बोथ ओ एंड आई को इनसाइड, एक पॉइंट से भेजे 2 रेज भेजी और टकराने के बाद वो वापस वो एक पॉइंट आई पे मिली और देखा गया कि ओ और आई तो कोइंसाइड कर रहे हैं, जिस जगह से भेजा था वहीं पे जाके कलेक्ट हो गया। तो आगे पूछ रखा है कि पावर ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, पावर कभी सेंटीमीटर में नहीं होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, अब क्या है, सारे ऑप्शन फिर बाकी फोकल लेंथ पे हैं। तो यू कैन सी इस डायग्राम को दूसरे वे में देखो कि रेज आ रही हैं और लेंस से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये तो तब होता ही, तो कन्वर्जिंग एक्शन हो गया एंड दीज रेज गेट कन्वर्ज एट द फोकस। तो 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सो पॉजिटिव 20, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अ बॉय यूजेस हिज ग्रैंड मदर्स स्पेक्टिकल टू फोकस सनलाइट टू बर्न पेपर पीसेस एंड वॉज एबल टू डू इट। His grandfather, oh God, ये क्या हो गया, grandmother,
ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम, ये कुछ डिफेक्ट दे रखे हैं ऑब्वियसली, ये और ये तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। तो आई वॉन्ट सो रिमेंबर यार कि तुम पेपर पीसेस तभी जला पाओगे हर लेंस से, हर स्पेक्टिकल्स के लेंस, तुम पेपर पीसेस केवल कन्वर्जिंग लेंस से जला सकते हो। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। तो इन दोनों में से कौन सा लेंस, कौन से डिफेक्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है? सो इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के क्योर में यूज़ होता है। इसी में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ, इट्स नॉट देयर बट जोड़ देता हूँ, कि अगर जहाँ पे उसने स्पेक्टिकल रखा है वहाँ से और पेपर पीस के बीच की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी और पावर कितनी होगी? आप इसका आंसर कमेंट में लिख के मुझे बताइए। सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते मैं ऐसे क्वेश्चन आगे अपलोड करता रहूँगा।